हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 8 की, जो कि 30 जुलाई के लिए जारी किया गया कक्षा 6 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कौन किसे खाता है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले कार्यपत्रक में हमने आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे आहार जाल के बारे में। बच्चों या आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ने के बाद आहार श्रृंखला के समूह के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले एक चीज़ आप एक समझ लीजिए कि आहार श्रृंखला में क्या होता है। एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है और अपना भोजन बनाता है। यदि ऐसा अन्य जो जानवर भी करने लगे, यानी कि एक ही समय कोई अन्य जानवर भी उसे भोजन बना रहा है किसी चीज़ को, तो वो क्या होता है, एक समूह बन जाता है बच्चों, जिसे हम आहार श्रृंखला की जगह आहार समूह या खाद्य जाल के तौर पर जानते हैं। जैसा कि ऊपर दर्शाया हुआ है बच्चों कि गाजर को खरगोश ने खाया और खरगोश को लोमड़ी ने, ठीक है, घास को भी गाजर घास को भी जो है किसने खाया, खरगोश ने, और खरगोश को लोमड़ी ने। अब घास को कौन खा सकता है, टिड्डा भी खा सकता है, और टिड्डे को चिड़ियाखाने खा लिया। चिड़िया अनाज के दानों को भी खा सकती है। अब बात आई चूहे को कौन खाएगा, तो चूहे को कौन खा सकता है, उल्लू खा सकता है, और टिड्डे को भी उल्लू खा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक जाल बन गया, ठीक है बच्चों। इसी जाल को हम खाद्य जाल या खाद्य समूह कहते हैं बच्चों। अब नीचे क्या दिया है बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित खाली स्थान भरिए। तो बच्चों हमें क्या पता है, यहाँ पे चित्र में हमने खाद्य श्रृंखला बनती हुई देखी, जैसे कि पहली खाद्य श्रृंखला कौन सी थी, घास गाजर जिसे खरगोश को लोमड़ी ने खा लिया। दूसरी थी घास या अनाज जिसे टिड्डे ने खाया, फिर चिड़िया ने खाया और चिड़िया को लोमड़ी ने खा लिया। तीसरी क्या थी बच्चों, घास अनाज टिड्डा और टिड्डे को उल्लू ने खा लिया। चौथी क्या थी बच्चों, अनाज चूहा और चूहे को उल्लू ने खा लिया। और पाँचवीं थी अनाज चिड़िया लोमड़ी, यानी कि चिड़िया को लोमड़ी ने खा लिया बच्चों। तो ये क्या है, ये तो एक खाद्य श्रृंखला हुई। अब हो कैसे सकता है बच्चों, तो गाजर को किसने खाया बच्चों, गाजर को खरगोश ने खा लिया। और घास को किसने खाया बच्चों, घास को टिड्डे ने खा लिया, ठीक है बच्चों। अनाज को किसने खाया, तो अनाज को चिड़िया भी खा सकती है और टिड्डा भी, ठीक है बच्चों। फिर खरगोश को खाया किसने बच्चों, तो खरगोश को लोमड़ी ने खाया, ठीक है बच्चों। अब टिड्डे को खाया किसने खाया बच्चों, टिड्डे को चिड़िया ने खाया। और चूहे को खाया किसने बच्चों, उल्लू ने खाया। तो हमने क्या पाया बच्चों कि यहाँ पे पांच खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब एक दूसरे से खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं, इसी जुड़े हुए जाल के रूप को हम खाद्य जाल के रूप में जानते हैं या कहते हैं बच्चों। अब हमें करना क्या है, पता लगाना है कि कौन किसे खाता है और इसे खाद्य जाल किस प्रकार बन सकता है इनका। तो कोशिश करते हैं बच्चों इसे बनाने की। तो गाजर को किसने खाया बच्चों, खरगोश ने, है ना, गाजर को खरगोश ने खाया। अब जब गाजर को खरगोश ने खा लिया, तो खरगोश को लोमड़ी खा सकती है ना, और लोमड़ी को कौन खा सकता है बच्चों, लोमड़ी को आखिरी में चील खा सकती है और चीता खा सकता है, ठीक है बच्चों। अब गाजर कौन खा सकता है, गाजर और कौन खा सकता है, थोड़ी बहुत अगर कहे तो मेंढक खा सकता है थोड़ी बहुत, वैसे मेंढक खाता नहीं है गाजर को, वो छोटे छोटे चीज़ों को खाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनती चली जाएगी। अब क्या होगा, नेवला सांप को खाता है और चील भी सांप को खाती है, और हिरन क्या खाता है, हिरन गाजर को खा सकता है। तो इस तरीके से यह पूरी श्रृंखला आपकी बनती चली जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपके कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।